हमीरपुर जिला में नई समय सारणी के अनुसार दुकानों को 11 बजे तक ही खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका जायजा लेने के लिए एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए मुख्य बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी रोहिन सिंह के अलावा सदर एसएचओ भी दलबल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से भी शहर पर नजर रखी गई तो लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को कोरोना की चैन तोड़ने के लिए आगाह किया गया और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की पालन करने के लिए अपील की गई। पुलिस टीम ने जिला हमीरपुर के प्रमुख चौकों पर गाड़ियों को रोककर भी कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने के लिए निरीक्षण किया गया। एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पुलिस के द्वारा अब रोजाना ही पूरे जिला के विभिन्न मुख्य बाजारों में निरीक्षण किया जाएगा और पैनी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार अपनी दुकानों को 11 बजे के बाद खुला रखते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और चालान वसूला जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अन्यथा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सर, जैसे कि आप सबको पता है, हिमाचल सरकार ने सिर्फ 3 आवर्स का जो गाइडलाइन निकाला है, सिर्फ 3 घंटा दुकानें खुले हो सकते हैं। तो हमारे हमीरपुर ज़िला में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें खुले हो सकते हैं। तो उसके बाद जो भी रेस्ट्रिक्शंस हमें इन्फोर्स करना है तो उसके लिए हमने फोर्स इकट्ठा करके अभी एक थोड़ा रूट मार्च करेंगे और जहाँ पर भी अगर कोई वायलेशन पाया गया हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो आप सबको पता है स्थिति काफ़ी गंभीर है, देश में भी काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, हिमाचल में भी आ रहे हैं, हमीरपुर में भी आ रहे हैं। तो सबसे अनुरोध है कि पुलिस के चलान के वजह से या पुलिस के FIR के वजह से आप डरे ना, परंतु आप इस चीज़ से ये आपको डरना चाहिए कि इतना जो ये महामारी है फैल चुका है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है।
तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप घर पर रहें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, परंतु अगर आप बाहर निकलेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि आपके खिलाफ़ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो इस गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पुलिस बल के साथ हम अभी मार्केट का एक चक्कर लगाएंगे, और जहां पर भी वायलेशन पाएगा हम इंश्योर करेंगे कि एक्शन। हाँ जी, हम रोज़ इसका करेंगे, और जहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस का वायलेशन पाए जाएंगे उसका हम लीगल एक्शन।